अक्षय। तो देखना चाहते हैं आप, क्या देखना चाहते हैं? नौटंकी? रोज जो देश में नौटंकी हो रहा है वो क्यों नहीं देख लेते हैं? सारे आम, कुछ आम मजदूर लोग जो कि अनपढ़ हैं, गवार हैं, एक लड़की को अगवा करके, उसका बलात्कार करके, उसको मार के उसकी लाश को सड़क पे फेंक देते, और हमारी पुलिस उनकी मुंह देखती रह जाती। क्या ये नौटंकी नहीं? एक 14 साल की लड़की, एक 14 साल की मासूम सी लड़की जिसको जिंदगी और मौत का फर्क भी ना पता हो, ऐसी लड़की को आत्महत्या करने पे मजबूर कर देता है हमारे देश का एक आईजी। सोचो, सोचो कितना मेंटल ट्रॉमा सहना पड़ा हो उस लड़की को जो उसने आत्महत्या करने की सोची। और उस आईजी के साथ क्या हुआ? हाँ, सजा मिली उसे। अभी हमारी देश की जुडिशियल सिस्टम इतनी अच्छी है कि उन्होंने उसको सजा दी, लेकिन कब दी? 10 साल बाद? एक 30-40 साल का आदमी जिसने वैसे ही अपनी आधी जिंदगी जी ली थी, उसको जुर्म करने के 10 साल बाद सजा मिली, और वो भी कितनी? सिर्फ 18 महीने की कैद, और उसमें भी 6 महीने बाद वो जमानत रिहा हो जाती। अब इससे बड़ी नौटंकी तो हमारे देश में हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये सब नौटंकी आप देखना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। अपने दोस्तों के साथ किसी गली के नुक्कड़ पे बैठ के घंटों तक चाय पीते पीते गप्पे मारने का टाइम होता है हमारे पास। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी सीसीडी या मैकडॉनल्ड्स पे बैठ के सुबह से लेकर शाम तक फैमिली प्लानिंग करने का टाइम होता है हमारे पास, लेकिन देश के प्रति एक बार भी आवाज उठाने के लिए टाइम नहीं होता हमारे पास। भाइयों, मुझे तो यकीन हो गया कि हिंदुस्तान में इंसान कम और भूत ज्यादा रहते हैं। भूत और भूतों को जो है ना लातों से मनाया जाता है, लातों से। जब तक कि एक एक लात हम में से एक एक को नहीं पड़ेगी ना, कोई नहीं जानने वाला। कोई